दोस्तों, आप सब लोग जो इस युवा होकर रैली में आए हैं, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। साथियों, अभी हमारे बहुत सारे युवा साथी ने अलग अलग बात कही, थोड़े जोश में भी हैं, स्वाभाविक है, युवाओं की रैली है तो जोश होगा उसमें, और कई बार कुछ ऐसी बात कह दी गई है जिससे वास्तविक रूप में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे सच में हम लोग किसी से नफरत नहीं करते हैं, सच में हम हिंसा नहीं चाहते हैं, सच में हम एक शांतिपूर्ण समाज चाहते हैं, और इस मंच से हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि यह बात हम लोगों को कहा जाता है कि इस देश के अंदर जो इंशा अल्लाह कहना चाहता है इंशा अल्लाह कहे, जो जय श्री राम कहना चाहता है जय श्री राम कहे, जिसको गुरुद्वारा जाना है वो गुरुद्वारा जाए, जिसको चर्च जाना है चर्च जाए, जिसको जिसकी इबादत जिसकी पूजा जिसकी उपासना करना है वो करे। हम किसी धर्म के खिलाफ या किसी धर्म के लिए नहीं, हम यहाँ संविधान के लिए खड़े हैं। इसके साथ साथ एक बात मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों कार्तिक मास बीता है, हम लोग उसको कार्तिक कहते हैं, बहुत शुद्ध बोलने की कोशिश करते हैं तो, और थोड़ा ठेठ हिंदी में बोलते हैं तो कार्तिक बोलते हैं। तो कार्तिक मास में हर मंदिर में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है, आरएसएस तुलसीदास जी को मानती है, उनको बहुत बड़ा कवि मानती है। तुलसीदास कहते हैं कि ढोल पशु गवार सूत और नारी, ये है चारण के अधिकार। मैं तुलसीदास की इस बात से सहमत नहीं हूं, और खुला कहता हूं कि मैं इस बात पे मैं तुलसीदास जी का विरोध करता हूं, लेकिन मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि उसी तुलसीदास लिखते हैं रावण रथी विरथि रघु बीड़ा, मतलब रावण रथ पे है और भगवान श्री राम जो है वो बिना रथ के हैं। अब मैं यहां से यदि गोबर पात्रा को पूछूं, रावण रथी विरथी रघु बीड़ा, रथ पर जब रावण खड़ा है तो मुझे बताइए कि भाजपा को राम राज चाहिए कि राम राज चाहिए, बात आप तय करिए। भाजपा को राम राज नहीं चाहिए, और इसीलिए इस मंच में यह स्पष्टता है कि न किसी धर्म के पक्ष में है न किसी धर्म के खिलाफ है, संविधान खतरे में है, इसीलिए इंसान और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग हिंदुओं के खिलाफ हैं, हम लोग जो है इस देश के अंदर जो संस्कृति चली आ रही है भारतीय संस्कृति, हम उसके खिलाफ हैं। नहीं भाई, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम बस एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि लड़ाई अल्लाह और राम के बीच में होगी तो जीत नाथुराम की होगी, इस बात को आप लोग समझ लो। इसीलिए चाहे आप कुरान उठा करके पढ़ लीजिए, चाहे आप गीता उठा करके पढ़ लीजिए, आप बाइबल उठा करके पढ़ लीजिए, आप गुरुवाणी उठा करके पढ़ लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब कुछ भी लिखा हुआ है इस देश के अंदर धर्म के नाम पे उसको पढ़ लीजिए, उसमें ये कहा जाता है कि भगवान बड़े होते हैं, इंसान जो है उसके अंदर भगवान का रूप होता है, जब इंसान के अंदर भगवान का रूप होता है तो मैं समझता हूँ अपराधियों के अंदर भी भगवान हैं, और जो अपराधियों की हत्या कर रहे हैं वो भगवान की निर्मम हत्या कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना, कंकर में जब भगवान बसते हैं तब आप मंदिर और मस्जिद क्यों करते हैं? मैं कहता हूं कि जब भगवान ने इंसान को बनाया है तो आप इंसान होकर के धर्म को क्यों बचाना चाहते हैं? आप समाज बचा लीजिए, आप देश बचा लीजिए, आप मानवता और इंसानियत बचा लीजिए, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अफसोस होता है, अफसोस इस बात का होता है कि आज हमारे देश में शोरगुल की है, और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कहना है, ना आर को कहना है ना जेड को कहना है, इसलिए नहीं कहना है कि मीडिया की विश्वसनीयता का कम होना ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वो तो अपना धंधा कर रहे हैं,
जिसकी चापलूसी और चाटुकारिता करना है वो कर रहे हैं, लेकिन आप यदि इस मुल्क से प्रेम करते हैं तो आपको ये बात तय करनी होगी कि आपको मीडिया की विश्वसनीयता भी बहाल करनी होगी, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। और मैं यहां से इस मंच से उन तमाम युवा मीडिया कर्मियों को ये आग्रह प्रस्तुत करता हूं कि जब आप अपने मैनेजमेंट से लड़िएगा ना, जब आपका मजीठिया आयोग का सिफारिश नहीं लागू किया जाएगा ना, जब छटनी करके आपकी नौकरी निकाली जाएगी ना, उसी नंबर पर फोन कीजिएगा जो नंबर सहला दी है, इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आपके लिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, हमारी एक लड़ाई किसी एक लिंग के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई समाज के अंदर जो ऊंच नीच है उसके खिलाफ समानता के लिए। इस बात का अपने दिमाग में काम लीजिए। आपको लगता होगा कि इस देश के अंदर वो जो सामने बिल्डिंग बन रही है, वो मजदूर जिसका नाम आपको पता नहीं है, उसका इस देश में कोई योगदान नहीं है, तो आप गलते में हैं, आप गलती में हैं। अगर वो मजदूर बिल्डिंग नहीं बनाता तो उस बिल्डिंग में जो एसी कमरा होगा उस पर आप बैठ करके नेशन वांट्स यू टू नो नहीं कर पाएंगे कि देश आज कहां जा रहा है। एक आदमी है, रिलायंस का मालिक है, अनंत अंबानी कहता है रिलायंस मेरी जान है, देश मेरी जान है। इसको कोई करेगा क्या? उसको कहेगा कि अनंत अंबानी बोलो भारत माता की जय, बोलो वंदे मातरम, बोलो हिंदुस्तान हमारी जान है, ये मत बोलो कि रिलायंस हमारी जान है। ये देशद्रोह है कि नहीं है? कहां पहुंचे हैं हम? यहां पहुंचे हैं, यहां मुझे मोदी जी से संपत्ति है कि जिग्नेश मेवानी मोदी जी का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जो लोग जिग्नेश मेवानी का मजाक उड़ा रहे हैं वो अनंत अंबानी का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। जितने आर्टिकल लिखे गए उन तमाम आर्टिकलों को लाखों लाख इंटरनेट से गायब कर दिया गया। ये है कॉर्पोरेट की ताकत। मोदी जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपसे नफरत नहीं है। जब आप कहते हैं कि मैं ओबीसी समुदाय से आता हूं तो मुझे संपत्ति होती है। जब आप कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं तो मुझे संपत्ति होती है। जब आप कहते हैं कि मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर के काम करती थी तो मुझे संपत्ति होती है। मुझे उन तमाम लोगों से संपत्ति होती है जो सुबह उठ करके हाफ पैंट पहन करके साल भर गंगा घुमाता है। मंत्री बनने की जब बारी आती है तो 5 करोड़ रुपया लेकर के मंत्री का सीट बेच देता है। मुझे संपत्ति होती है भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से दिन रात पोस्टर लगाते हैं और रातों रात जो है दूसरे पार्टी से आदमी को ला करके मंत्री बना दिया जाता है। अरे भाजपा पार्टी नहीं है, नए ब्रांड का वॉशिंग मशीन है। हम इस बात का जांच नहीं करना चाहते, लेकिन हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं सरकार से, यदि लालू जी आपका समर्थन कर देते तब वो चारा चोर होते कि सदाचारी होते? मेरे साथ इसका जवाब है आपके पास। सुखराम का बेटा आपकी पार्टी में, उधर जो वो सारदा स्कैम किया था, क्या नाम था उसका? मुकुल राय आपकी पार्टी में। जो 282 एमपी है इनका, लिखिएगा भाई साहब अगर आपको हिम्मत होगा, नहीं होगा हमारे साथ आ जाइए। 109 बलात्कार हत्या जैसे संगीन मामले चल रहे हैं। इसी बगल में है लोकसभा। लोकसभा में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा में पहुंचने के लिए जिस लोकतंत्र ने हमको ताकत दी थी उस लोकतंत्र को ही कमजोर किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी, आपके पीठ पे रिलायंस का हाथ होगा तब लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, कॉर्पोरेट मजबूत होगा। इस बात का तब इस देश में लोग आपका मजाक उड़ा सकता है, लेकिन अनंत अंबानी का मजाक नहीं उड़ा सकता। और कितना प्रेम था भाई, नेताजी जोर जोर से ताली बजा रहे हैं। मतलब आपकी माँ यदि अपने बच्चों से प्रेम करती है तो वो प्रेम है, और राधिका बेमुला यदि रोहित बेमुला से प्रेम करती है तो प्रेम नहीं है, वो जाती बात है। नजीब की माँ अगर कहती है कि मेरे बेटे को ढूंढ करके ला दो, तो आप कहते हैं कि आप सरकार पे बिना वजह सवाल खड़ा करते हैं।
जब चंद्रशेखर के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं तो आप कहते हैं कि हम राजनीति चमकाते हैं और हमारा राजनीति फ्लॉप करने के लिए देखिए वो महिला पत्रकार जो खाली कुर्सी के पास जाकर के खड़ी हो गई। मैडम जी सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। हम है किसान का बेटा, है किसान का नेता अखिल गोगोई। हमारे पास भीड़ नहीं है, मैं कह देता हूँ स्पष्ट करके, हमारे पास भीड़ नहीं है। भीड़ जो है उनकी रैलियों में होता है, हमारी रैलियों में जिंदा इंसान आए हैं। इस बात का जब मैं किसान का बेटा हूं तो मुझे किसानी आती है और किसान के बारे में एक बात जान लीजिएगा, कभी मौका मिले तो प्राइम टीवी पर चला लीजिएगा कि किसान जब बीज लेकर के खेतों में जाता है तो झोली में बीज लेकर के जाता है, मुट्ठी में बीज लेकर के जाता है और वही बीज जब खेतों में बोई जाती है तो फसल लहलाती है। आपसे वादा करते हैं हमारी राजनीति इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है जो शोषित है। सही कहा है, सही कहा है भीम आर्मी के उस साथी विनय ने कि हमारी जात शोषितों की जात है और इस देश के अंदर जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज को उठाना ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। आपके टैक्स के पैसे से पढ़े हैं, आपका सवाल यदि नहीं उठाएंगे तो ये सबसे बड़ी बेईमानी और सबसे बड़ा देशद्रोह है। ये सवाल इसीलिए आपके सवाल को उठाने का जो हमने पीड़ा उठाया है इसमें हम सिर्फ एक बात कह देना चाहते हैं, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगी खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। इस देश के अंदर सामाजिक अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई छिड़ी है और इस लड़ाई में जो खाली कुर्सियां है वो भीड़ के लिए नहीं है, वो इंसानों के लिए है। इंसानों से इसी पार्लियामेंट के सीट के एक एक इंच को ना भर दिया तो ये हमारा आपसे वादा है। ईमानदारी की जरूरत होती है, पैसे पे जुटाई भीड़ नहीं है। एक दूसरे लोग यहाँ जो मंच पे खड़े हुए हैं कोई राजनीतिक एमपी एमएलए बनने का सपना नहीं है, इस बात के लिए दोस्ती बनी है कि तुम हमारे घर आओ जब हम मुश्किल में हैं, हम तुम्हारे घर आएंगे जब तुम मुश्किल में हो और ये चट्टान एकता से हम इस देश को बचाना चाहते हैं। इसीलिए आप तमाम लोगों से एक बात का अपील करना चाहते हैं कि गुस्सा कितना हो आपके लिए, तकलीफ कितनी भी हो जाए आपको, लेकिन उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। हिंसा उनका हथियार है, नफरत उनकी चीज है, हमको मोहब्बत करनी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल के भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है। इसीलिए अपनी बातचीत में हमको हिंसक नहीं होना है, हमको किसी भी तरीके से नफरत के आधारित कोई विमर्श नहीं खड़ा करना है, क्योंकि जो ट्रोल की भाषा है वो आपकी भाषा नहीं होनी चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंसानियत को कैसे बचाया जाए, कुछ भी हो जाए, कैसी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हम अपनी विचारधारा से एक इंच नहीं टिकेंगे। और गौरी लंकेश को श्रद्धांजलि देते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए हमारा धर्म संविधान है, इसीलिए संवैधानिक रास्ते पर चलना है, लोकतंत्र के रास्ते पर चलना है और उसी लोकतंत्र के रास्ते पर चल के पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके बारे में पुलिस वाले ने कहा कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। ए महाराज, सेवन पे कमीशन आया है ना, पैसा पहली बार ऐसे हुआ है कि जो है बढ़ करके नहीं घट करके मिला है। आप भी सोचिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुझे पुलिस से बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस में कोई आडवाणी जी का बेटा थोड़ी है, किसी किसान मजदूर का बेटा नहीं है ना, आर्मी में कोई जो है पापरा जी का बेटा थोड़ी है। अनंत अंबानी जाएगा देश की रक्षा करने के लिए? नहीं जाएगा ना, वो तो कहेगा मुंबई में अमिताभ बच्चन के सामने में रिलायंस मेरी जान है। आप लोग भी हमारे ही परिवार से आते हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। आपसे एक सवाल है, आप सोचिएगा इस पे, आप कृषि कल्याण सेस देते हैं, आप जो है स्वच्छता सेस देते हैं, आप तमाम तरह का टैक्स देते हैं, आपने सब्सिडी छोड़ दिया, रसोई गैस महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, इतना कुछ करने के बाद भी सरकार कह रही है कि देश चलाने के लिए 80,000 करोड़ रुपया चंदा लेना है, बताइए मुनासिब है क्या? हर तरह का टैक्स आपसे लिया जा रहा है, हर तरह की महंगाई आप झेल रहे हैं, उसके बाद भी सरकार कह रही है कि हमको टैक्स लेना पड़ेगा, हमको जो है और टैक्स बढ़ाना है, हमको जो है जीएसटी लगाना है और इससे भी नहीं हुआ तो 80,000 करोड़ रुपया का कर्जा ले रहा है।
किसके लिए कर्जा ले रहा है? ये हमारे आपके बच्चों के लिए कर्जा नहीं ले रहा है, हमारे आपके स्कूल और अस्पताल के लिए कर्जा नहीं ले रहा है, ये माल्या और अंबानी अदानी का कर्जा माफ करने के लिए कर्जा ले रहा है भाई साहब। इस बात को आप समझिए। इसीलिए जो यह बात आज पूरे के पूरे दौर में फैलाई गई कि रैली नहीं हो रहा है, रैली नहीं हो रहा है, सुनिए ना, पार्लियामेंट स्ट्रीट नहीं दीजिएगा ना, इस देश के खेत खलिहान ऑफिस दफ्तर सड़क रेल रेलवे हर जगह हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग जो है कोई प्रायोजित काम थोड़ी करते हैं, जनता का सवाल है, जनता की लड़ाई है, जहां जनता जुट जाएगी वही तफली बजा करके इस देश के अंदर जो बची खची गुलामी है उसके खिलाफ आजादी का आगाज करने लगेगी। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। और मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी, सरकार जब आती है तो पुलिस को बहुत घुमाती है, लेकिन वादा करते हैं आप भी संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़िए, किसी नेता का आपको हाजिरी नहीं बजाना पड़ेगा। आखिरी बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा, यह रैली रोहित वेमुला के न्याय के लिए है, यह रैली नजीब को वापस ढूंढ के लाने के लिए है, ये रैली चंद्रशेखर आजाद को रिहा कराने के लिए रैली है। और मैं समझता हूँ इसमें और नाम जुड़ते चले जाएंगे, आपको बस एक काम करना है कि हमारा पीठ अलग अलग है, उनकी लाठी एक है। हर मामले में देखिए कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार इस देश का हुक्मरान है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर उनकी लाठी एक है, अपनी पीठ को एक कर लीजिए भाई साहब, सबको जल्द से बाहर करेंगे और रैलियों का तांता लगा देंगे इस देश को। इस लड़ाई को हमको हर घर तक पहुंचाना है, तभी जाकर के हम भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों का देश बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को और जिनको भी बात बुरा लगा एकदम माफ कर दीजिएगा, दिल से माफ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।